हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका बाई वे आपका आधार कार्ड खो गया है या फिर आपका आधार कार्ड फट गया है, अगर आपको आधार नंबर मालूम है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक ऐसा जो है प्रोसेस बताने वाले हैं जिसको दोस्तों आप फॉलो करके आधार कार्ड, एक PVC आधार कार्ड दोस्तों एकदम ओरिजिनल बेस्ट क्वालिटी का आप प्रिंट करवा करके अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कम कॉस्ट में। तो इस वीडियो में हम दोस्तों यही बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों यहां पर मानने वाली बात यह है कि आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है या फिर नहीं, दोनों केस में आप दोस्तों इस जो है आधार कार्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको दिखा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हम दोस्तों यहां पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर चुके हैं और यहां पर सर्च वाले ऑप्शन में लिखेंगे UIDAI। ऐसा लिख देने के बाद सिंपल से इसको इंटर कर देना है। अब दोस्तों यहां पर इसकी UIDAI की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब दोस्तों यहां पर अपने भाषा का आप चयन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक कर देने के बाद हम इसको इंग्लिश पर सेट कर देते हैं। इंग्लिश पर जैसे ही हम यहां पर सेट करेंगे, अब दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे गेट आधार वाले ऑप्शन पर। और दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑर्डर आधार PVC कार्ड, तो सिंपल से इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से, ये PVC कार्ड आपको आधार कार्ड मिलने वाला है। इसमें दोस्तों बहुत सारे फैसिलिटीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका जो नॉर्मल आधार कार्ड होता है उससे थोड़ा सा ये हटके रहेगा। यहाँ पर आपको इसमें QR स्कैनिंग, उसके बाद होलोग्राम यहाँ पर लगा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ पैटर्न बने रहेंगे और ईमेल टैक्स आपका यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपके दो ईमेल दिखेंगे और दोस्तों इसका कॉस्ट ओनली 50 रुपये है। दोस्तों जैसे कि आप मार्केट में दुकान से आप जो भी आधार प्रिंट करवाते हैं तो वो वहाँ पर 150 से 100 के बीच में चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर आप 50 रुपये में ही अपना जो है आधार कार्ड नया मंगवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये वाला कैप्चा फिल करेंगे एंड आगे का ऑप्शन दिखाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम अपना आधार नंबर फिल करते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को सेम जिस जैसे दिख रहा है दोस्तों, आपका कैपिटल हो, नंबर हो, स्मॉल हो, जो भी हो, जिस प्रकार से ये कैप्चा लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से इस कैप्चा को लिख देना है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस कैप्चा को इस प्रकार से लिख देने के बाद अब आप दोस्तों आपके सामने एक ये इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो में शुरुआत में बताया कि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर हो या फिर ना हो, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है फिर भी आप अपना जो है आधार कार्ड मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है मान लो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इस पर करेंगे क्लिक। अब दोस्तों आप यहाँ पर अपना मनपसंद मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो कि आपके पास मोबाइल नंबर रहे, ताकि आपका जब आधार आए तो रिसीव करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। इस मोबाइल नंबर को फिल कर लेने के बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर थोड़ा कैप्चा गलत हो गया है, इसको दोबारा से इस कैप्चा को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कैप्चा को दोबारा से भर लिया है। अब यहाँ पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर OTP जनरेटेड सक्सेसफुली, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर OTP आ चुका है। तो हम यहाँ पर OTP फिल करेंगे। OTP फिल कर लेने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, इस टर्म पर ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लोज करेंगे। इस पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर करेंगे सबमिट। अब जैसे हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक अलग सा विंडो खुल जाएगा। चलिए हम इस पर करते हैं ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको 50 रुपये की पेमेंट करना होगा, तो इस पर टिक मार्क लगाएंगे, उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना कर देने के बाद दोस्तों ये पेमेंट गेटवे पर ला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, UPI, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग
एंड व्हाट्सअप का फीचर भी दिया है। आप दोस्तों आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसके थ्रू यहाँ पर अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों एकदम सरल एंड सिक्योर मानूंगा यूपीआई को। चलिए हम इस यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर यूपीआई आईडी डालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी फिल करते हैं। हमने यहाँ पर अपना यू पी आई आई डी फिल कर लिया है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा यू पी आई आई डी मैच नहीं कर रहा है, दोबारा से हम इसको देख लेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर अपना यू पी आई आई डी को सुधार करने के बाद दोबारा से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी यू पी आई आई डी यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फ़ोन पे होगा उस पर नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा और यहाँ पर 14 मिनट का समय दिया गया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से करते हैं इसको मिनिमाइज और चलते हैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पर। तो हम अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि कोई नोटिफिकेशन आ चुका है। ये हमारा जो है यू आई डी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है 50 रुपये पे करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। अपना जो भी यू पी आई जो है नंबर होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो पेमेंट जो है 50 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएगा। अब यहाँ पर कर देंगे डन। डन करने के बाद दोस्तों वापस से हम उसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अब आएंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको एक पीवीसी एसआरएन नंबर मिल गया है और हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आ गया है हमारे साथ और हमारा ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप दोस्तों स्पीड पोस्ट के जरिए ये 5 से 6 दिनों के अंदर आपके बाय पोस्ट दोस्तों आपके घर पर ये डिलीवर कर दिया जाएगा पीवीसी आधार कार्ड। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड आगे शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।